Hey, WhatsApp guys, welcome back to my channel, Technical Akbar 07। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉक वीपीएन फास्ट एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों फिलहाल इसका रेटिंग पॉइंट अभी यहाँ पे सामने नहीं दिया गया, लेकिन 50,000 से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है। अगर आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है दोस्तों, तो बिल्कुल वीडियो को आखिर तक के देखना, क्योंकि मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कैसे इसको यूज करना है, इसका सही तरीका क्या है और आप इस एप्लीकेशन से क्या क्या चीजें यहाँ पे कर सकते हो। दोस्तों सिंपली वीडियो का एंड तक के बने रहे ताकि आप इस एप्लीकेशन को आसानी से यूज भी कर सके। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को कर देना है आपको ओपन। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि आपने इस एप्लीकेशन को क्यों डाउनलोड किया था और आप इस एप्लीकेशन से क्या करना चाहते हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि आपको इसकी प्रॉपर जानकारी मिल सके और मैं आपका कमेंट में रिप्लाई करके भी आपको सारी जानकारी पहुंचा सकूं। बहुत से लोगों को एक और प्रॉब्लम होती है कि उनको फिर भी समझ नहीं आता है। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और ट्विटर लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर भी मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर भी रिप्लाई कर सकता हूं। तो चलिए एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। यहाँ पे टर्म्स ऑफ सर्विस आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आपको एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक कर देते हैं, आपको ये गलती नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। आपको नीचे साइड में यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे सिंपल दोस्तों, तो यहाँ पर भी क्लिक कभी कभी नहीं होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको ये वाला ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो सिंपली लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हो। और ये वाले ऑप्शन पर आप जाओगे तो आपको और भी चीज देखने के लिए मिलेगी, आप जहां से रहते हो जैसे इंडिया हो गया, कोई भी कंट्री हो गया, आपको वहां पे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। किसी किसी के अंदर दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया जाता है कि यहाँ पे बार बार क्लिक कर तो नहीं होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि थोड़ी देर बाद में ये कनेक्ट होगा और यहाँ पर आपको और भी अपडेट होते जाएगा, तो आपको अलग अलग कंट्रीज देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है, कनेक्शन रिक्वेस्ट आ गई है, तो आपको ओके कर देना है। ओके करते हैं ऑटोमेटिकली कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ी देर में कनेक्ट भी हो जाएगा। अब कनेक्ट होने के बाद आप वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, जैसे गेमिंग वगैरह हो गया, फ्री फायर, पबजी, स्ट्रीम वगैरह और भी बहुत सारी चीजें आप इस एप्लीकेशन से कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपने इस एप्लीकेशन को क्यों डाउनलोड किया था, प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि आपको प्रॉपर जानकारी मिल सके।